अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, मैं हूँ साजिदा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही अलग तरह का कुरकुरा चटपटा नाश्ता बनाऊंगी, जो कि झटपट से बनकर तैयार हो जाता है जब कभी आप सुबह स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाएं। तो फटाफट से बना लीजिए बिना किसी परेशानी के। इंस्टेंटली कम तेल में, कम बटर में बन जाता है दोस्तों, वो भी बिना किसी परेशानी में। खाने में इसका स्वाद इतना ज़्यादा अच्छा होता है दोस्तों। तो दोस्तों, कुछ ही चीज़ों से बनकर ये रेडी हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मिक्सी का जार ले लिया है और यहाँ पर मैंने दो ब्रेड के स्लाइसेस को ले लिए हैं। अब ब्रेड के स्लाइसेस को तोड़ लेते हैं हाथों से और इसका एक अच्छा सी क्रम्स बना लेते हैं दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका क्रम्स हम बना लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्रम्स जो रेडी हो गया है, अब इसे हम साइड में रख देते हैं और एक बोल ले लेती हूँ मैं। तो इसमें मैं सबसे पहले दो अंडे को तोड़ के ऐड कर लूँगी। तो दो अंडे को मैं तोड़ लेती हूँ दोस्तों, एक एक अंडे को इस तरह से। तो दूसरे अंडे को भी मैं तोड़ लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अंडों को तोड़ लिया है। सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड करेंगे, जो कि आपको अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। एक आधी छोटी प्याज को मैंने कट कर लिया है, तो वो मैं ऐड कर लेती हूँ। साथ ही हरी मिर्ची ऐड करूँगी। अब मैं यहाँ पर जो 1 टेबल स्पून सूजी ऐड करूँगी, साथ ही जो हमने क्रम्स बनाया था उसे भी यहाँ पर ऐड कर लूँगी दोस्तों। मैंने यहाँ पर सारा क्रम्स ऐड किया हुआ है, दो ब्रेड्स का जो बनाया था। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले लीजिए। तो यहाँ पर मैं ब्लैक पेपर पाउडर और चिली फ्लेक्स भी ऐड कर लूँगी। साथ ही मैं इसमें धनिया पत्ता भी ऐड करूँगी, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा दोस्तों, और अच्छी खुशबू और फ्रेशनेस मिलेगी हमारी डिश को। तो इसे मिक्स कर लेती हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है दोस्तों। ये जो सूजी और क्रम्स हमने जो बनाया था, ये सारा अब्जॉर्व कर लेगा अंडे को। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मिक्स हो गया है, इसको थोड़ा टाइम के लिए साइड में रख देती हूँ। और दूसरे साइड में तावा गरम होने के लिए रख दिया है। अब इसे साइड में रख के चलिए हम चलते हैं तावे की तरफ। तो यहाँ पे मैं तावे पे बटर अप्लाई कर लेती हूँ। आप चाहो तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बटर लगा लिया है। यहाँ पे मैं मिक्सचर जो हमने बनाया था उसको मैं रख लेती हूँ। अच्छे से इसको टैप करते हुए, प्रेस करते हुए सेट करना है चम्मच से, इस तरह से। मैं और मिक्सचर ले लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा मिक्सचर ले लेके इसको अच्छे से टैप करके इसको सेट करूँगी गोल शेप में, इस तरह से। अच्छे से फैलाते हुए मुझे रखना है दोस्तों। ये देखिए, इस तरह से कर लीजिए। चारों तरफ बहुत ही अच्छे से फैलाते हुए इक्वल मात्रा में इसको शेप देना है दोस्तों। ऐसा ना हो कि कहीं जाड़ा और कहीं पतला रह जाए, इक्वल मात्रा में होना चाहिए दोस्तों। ना ज़्यादा ठीक होना चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो इसको मैं सेट कर देती हूँ स्पून की हेल्प से। तो यहाँ पे दोस्तों ये अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे मैं ढक देती हूँ अच्छे से, कुछ मिनट के लिए इसे पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये पक गया है। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे, बहुत ही इजीली फ्लिप हो जाएगा दोस्तों। ये बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये टूट जाएगा, ये बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। अब इसकी दूसरी साइड भी मैं चेंज कर दी हूँ, ये देखिए।
तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, गर्मा गर्म सर्व करके। तो यहाँ पे रेडी हुआ है, बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो गया है। कुछ ही इंग्रेडिएंट के साथ आपको बनाना है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इस तरह से बना लीजिए, बच्चों को भी दे सकते हो टिफ़िन में। तो उसके लिए आपको तीखापन कम यूज़ करना है, क्योंकि बच्चे तीखा नहीं खाते हैं दोस्तों। ऊपर से बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा है दोस्तों, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, टेस्टी है। तो इस तरह से रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।